हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जैसा कि आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चों ने एसबीआई क्लर्क को गुजरात से फाइट किया है। हमारे पास में रेगुलर बेसिस पे बहुत क्वेरीज आ रही हैं, इसीलिए मैं आज उन सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मैक्सिमम क्वेरीज जो मेरे पास आ रही हैं वो सब है, पहले तो डीवी किस प्रकार से होगा और दूसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT में क्या होने वाला है। जहाँ तक डीवी की बात है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ तो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आप प्रिपेयर करके रखने वाले हैं। अगर हम बात करें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो मुझे जब डीवी देने जाना है तो उस समय पर 10th क्लास से लेकर लास्ट एजुकेशन तक के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 10th क्लास की मार्कशीट के साथ 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी चाहिए। कुछ मार्कशीट के अंदर सर्टिफिकेट इनबिल्ट होता है, एक साथ होता है, लेकिन कुछ जो पुरानी मार्कशीट है उनमें 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट अलग-अलग है। 10th क्लास का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ को वैलिडेट करने के लिए चाहिए होता है, वो जरूरी है। उसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, देन उसका डिग्री जो ग्रेजुएशन की आपको अलग से मिलती है। हो सकता है अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड है, वो चल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट चाहिएंगी, देन कंसोलिडेट मार्कशीट चाहिए, देन उसके बाद हमें डिग्री या प्रोविजनल दोनों में से एक जरूर चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट एजुकेशनल हो गए जो हमें साथ लेके जाने हैं। इसके बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट पर ध्यान देना है। अगर आप जनरल हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप और अदर कैटेगरी से हैं, ST SC, तो कोई सी भी डेट का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, बट वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। सेंट्रल वाले का मतलब इंग्लिश में होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ होना चाहिए इट इज़ यूज फॉर द सेंट्रल पोस्ट या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उन सब के लिए एलिजिबल होगा। देन स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। कुछ बच्चे OBC से होंगे, कुछ बच्चे AWS से होंगे। OBC और AWS का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलता। 1 अप्रैल 2021 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए, वो ही आपको लेके जाना है। और वो भी ध्यान रखें, सेंट्रल वाला ही होना चाहिए, इंग्लिश में ही होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास में एक मेल आएगा भी SBI की तरफ से, जो DV से पहले आएगा। उस मेल के अंदर कुछ अटैच डॉक्यूमेंट आएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है और उनको साथ में लगाना है। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर मेडिकल कैसे होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। इन चीज़ों को अभी आप छोड़ दीजिए, एक बार मेल आ जाने दीजिए। जैसे ही मेल आएगा उसी के अंदर फॉर्मेट आ जाएंगे कि किस प्रकार आपको मेडिकल करवाना है और किस प्रकार आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, तो वो सब बाद में करना है। पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर लीजिए। देन दो करेक्टर सर्टिफिकेट हमें चाहिएंगे, एक तो आपकी लास्ट एजुकेशन से होना चाहिए और दूसरा हमें गजेटेड ऑफिसर के माध्यम से बनवाना है। ये दोनों जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको या तो इंस्टीट्यूशन दे ही देगा, अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं देता है तो आप स्टेशनरी की दुकान से सर्टिफिकेट परचेज करिए और उसके ऊपर सील और साइन जो भी ऑथराइज पर्सनैलिटी हैं जो जिनसे आप करा सकते हैं उनसे करा लीजिए। इस प्रकार आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। ओके, ये अभी तैयार रखिए, इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स की बाद में जरूरत पड़ेगी तो वो अपन एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। देन अब सेकंड क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि हमारे LPT में वहाँ क्या होने वाला है।
देखिए एलपीटी बड़ा ही आसान होता है, वो आपको फेल करने के लिए नहीं है, आपको सेलेक्ट करने के लिए है। और सिर्फ इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि गुजरात में जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको गुजराती आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ बैंक में भी गुजराती में काफ़ी काम होता है, तो इसलिए हमें गुजराती का नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज चेक करने के लिए हमें पढ़ना, बोलना, लिखना तीनों चीज़ें ही आनी चाहिए। देखिए अभी तक जितनी भी बार SBI के अंदर LPT हुआ है तो उन्होंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है, उन्होंने एक पैसेज दिया है, उस पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें उस पैसेज को पढ़ना है और उसमें से उन 10 क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर लिखना है। सिंपल है, आसान है, बड़े ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। सीखना कैसे है, तो सीखने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे तो मुझसे ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स लेकर आप बड़े ही आराम से इसको सीख सकते हैं। ऑफलाइन भी लेना चाहें तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सीखना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके हम कुछ परफॉर्म करने में कमी छोड़ दें तो थोड़ी दिक्कत हो जाए। कोशिश कीजिए कि हम 100% वहाँ पर दे सकें, ठीक है? और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर को याद रखें, 9828013714। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी, चाहे आप मेरे इंस्टीट्यूशन से हैं या नहीं है, बड़े ही आराम से पूछ सकते हैं। हम जितनी भी क्वेरी आपकी DV संबंधित हैं या LPT संबंधित हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, थैंक यू।